महाराष्ट्र राज्य के इस पावन भूमि को, पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सौभाग्य है मेरे साथ आए हुए मंत्रिमंडल आमदार खासदार तेलंगाना राज्य के, बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए, उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री माणिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकरन्ना धोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, आवाज कम आई है, ये भगीरथ है आगे चल के पूरे चंद्रभाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं, इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा, मेरे जो भी शब्द है आपके सामने आप सुन के यहीं मत भूल जाइए, अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है, देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे अंधेरे के रास्तों में, क्या हो रहा है इस देश में, एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है, ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए, उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए, 75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक, उसके आज का चाइना कहां है और हम कहां हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है, कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, पर महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया, करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते, उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में कम समय में नया नवेला राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं मराठी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं, बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है, यहां किस चीज की कमी है? उल्टा यह कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है, अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा।
हाँ जरूर निकलेगा दिवाला, मैं भी मानता हूं इस बात का, निवाला दिखलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का, राज का दिवाला नहीं निकालेगा। हम कहां से ला रहे पैसे, सभी पूछने लगे हैं आज उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछने, लोगों को गुमराह करने। बालके जी बता रहे थे तेलंगाना की पार्टी है, बियारस तेलंगाना की पार्टी नहीं है, बियारस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं आपने अखबारों में देखा, टीवीओ में भी सुना। हाँ आ जाए जरूर, दर्शन करे लेकिन राजनीति ना करे। हम आके दर्शन कर रहे हैं, पंडरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे, लेकिन मैंने वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तो वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए। 3-4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं, हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं, हम अगर टीम है जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कई कई लोग कई कई नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही एकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार, पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई, 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है, आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन, परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। हाँ परिवर्तन चाहिए, इसलिए मैं 2-4 शब्द बताता हूं आपको। भारत में 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्धि है, हमारे पास बरसात होती है इंडिया में 1,40,000 टीएमसी की, आधा तो उसमें बाष्पीकरण होता है लेकिन आधा पानी हमें प्राप्त होता है हमारे शुद्ध नदियों में बहते हुए। यानी कि भारत के हर एकड़ में अगर सरकार में दम हो, केंद्र या राज्य के सरकारों का नीति सही हो, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है। अभी आते आते रास्ते में बालके जी मुझसे कह रहे थे मंगलवाड़ के इलाके में 25-35 गांव में पानी आने हैं जो लाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे, यहाँ के सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या बात है, पानी जरूरत से ज्यादा है। 41 करोड़ एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है भारत में, हर एकड़ को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है। मैं औरंगाबाद गया तो वहां बोल रहे, चंबाजी नगर उनका नाम बदल दिया, ठीक है, वहां गए तो कह रहे 8 दिन में एक बार पानी आता है, शोलापुर में भी 4-5 दिन के बाद पानी आता है, अकोला वाले मेरे दोस्त थे प्रकाश पोहरे, वो कह रहे थे अकोला में 10 दिन में एक बार पानी आता है। आजकल मुंबई और पुणे में पानी की सप्लाई में कटौती आ रही है, क्या बात है, पानी नहीं है देश में, ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, साफ कहता हूं, भारत के जल नीति जो राष्ट्रीय जल नीति है उसको पूरा का पूरा उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नया पॉलिसी बनना चाहिए,
यही भारत का परिवर्तन है।